औरैया में कांग्रेस पार्टी ने महंगाई के विरोध में सड़कों पर पैदल मार्च कर जताया रोष। खबर औरैया जिले से है, जहां दिबियापुर थाना क्षेत्र की सड़कों पर सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नारे लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और कमर तोड़ महंगाई का विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जुलूस भी निकाला। पेश है ये खास रिपोर्ट। हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ये चाहता है हम जनता के बीच में जाएं और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। जो इस समय जनता की परेशानियां हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, आतंकवाद, एक डर का माहौल जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के साथ बनाया जा रहा है, भेदभाव, इन तमाम बातों की, तमाम मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएं और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और जागरूकता फैलाएं। सर, लगातार महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के दाम आसमान को छू रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? ये तमाम बातें हम लोगों से ज़्यादा आप लोग मीडिया के लोग जानते हैं। हम अगर इस महंगाई पे चर्चा भी करते हैं और महंगाई की बात जनता तक ले जाना चाहते हैं, मगर आजकल का मीडिया हम लोगों को बात, सही बात को जनता तक पहुंचाने का काम नहीं करता, उसको तोड़ मोड़ करके गायब करने का काम करता है। उस महंगाई को भारतीय जनता पार्टी ये कहकर जवाब देती है कि हम देश का विकास करने जा रहे हैं, विकास के लिए धन की ज़रूरत है, इसलिए चीज़ महंगी होंगी। मैं इस देश के नागरिकों और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूँ, आज़ादी के बाद क्या देश का विकास नहीं हुआ? क्या आज़ादी के बाद कोई महामारी नहीं आई? क्या आज़ादी के बाद कोई देश के अंदर समस्याएं नहीं थी? उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी के और उनके नेतृत्व ने लगातार इस देश को विकास की राह पे रखा है।
और ये जनता को भी बताना चाहते हैं कि विकास अगर नहीं होता तो आज मोदी जी रेल, हवाई अड्डे और तमाम सारे VSNL जैसे उपक्रम, अभी वित्त मंत्री सीतारमण जी ने एक लिस्ट पेश करी जिनको सरकार, वर्तमान सरकार बेचना चाहती है या किराए पे देना चाहती है, वो किसकी विकास देन थी? एक जनता से पूछना चाहता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी पूछना चाहता हूँ। हम जनता के बीच में जाके जागरूकता फैलाने चाहते हैं कि जनता समझे, जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भ्रामक प्रचार किया जा रहा है उसको समझे और सोच समझ कर निर्णय ले। हम आज़ादी के पहले हमने इस देश के आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजों से लड़े थे, अब हमें इस देश को बचाने के लिए, इस देश के सम्मान की रक्षा करने के, लोगों को, लोगों के बीच से डर निकालने का काम जो गांधी जी ने किया है वो वर्तमान में कांग्रेस सरकार करेगी और इस देश की सरकार जागरूक करेगी, इनको उखाड़ फेंकने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। यही अब भाव लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं, ये देश आपका है, देश बचा लो, देश बचा लो, देश बचा लो, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां आपको माफ़ नहीं करेंगी। यही संदेश है मेरी जनता के लिए।